खमा गणी सा जयमा करनी खमा गणी सा उषा उषा जी जय श्री करनी। उषा जी मैंने आज काफ़ी वक्त के बाद आपको शायद मेरे लाइव में देखा, आई डोंट नो होते होंगे बट शायद मुझे दिखते नहीं होंगे, अभी मैंने नोटिस किया। जय श्री करनी जी सा सुख देनो दुख मेटनो मरी माँ करणी रो नाम चरण शरण ते चारणी थने पुनः पुनः करु प्रणाम। मायरा मायरा कैसे हैं आप, जय श्री करनी जी सा। नीलम जी मुझसे बात करो ना दी, जय श्री करनी नीलम जी। कृष्णा दी बिग फैन ऑफ यू, फर्स्ट बार आपकी लाइव में आए हैं, बस फैन कह के आपने ना बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी अभी। जय श्री करनी रतन जी, जय श्री करनी रीसा। मकसद तो हमें बर्बाद करने का था उनका, हमारी ज़िंदगी में आना और हमें प्यार करना, वो तो सिर्फ एक बहाना था। मैंने इस पर मतलब मैंने ऑन वॉइस में वीडियो बनाया था ना ये वाला, बहुत सारा उस पर मैंने कमेंट्स रीड किए, तो पता है उसमें अधिकतर कमेंट्स ये थे कि आप अपनी ऑन वॉइस में ज़्यादा वीडियो बनाया कीजिए और जो भी आपकी शायरी होती है जो दिल की आवाज़ होती है ना उसमें आप बनाया कीजिए। मैंने कहा ठीक है, वो कभी कभी मतलब कभी कभी मैं जब कभी उदास होती हूँ या फिर अपने जोन से बहुत ज़्यादा बाहर होती हूँ तब कभी मैं लिख लेती हूँ कुछ भी। जय श्री करनी सा, जय श्री करनी। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना न्यू सॉन्ग मतलब जो मैं बता रही थी कि पापा के लिए अपना न्यू सॉन्ग आने वाला है, तो उसकी रिकॉर्डिंग तो कंप्लीट हो चुकी थी, फिर मतलब अभी तक मैं मतलब अपने ऑडियो का वेट कर रही थी कि भैया कब ऑडियो सेंड करेंगे, कब मैं उसको सुनूंगी, कब मुझे मतलब उसमें कुछ कमी लगती है तो हम उसे ठीक करें। नहीं मैं रो नहीं रही हूँ, मेरी आँखें हमेशा इसी तरह मतलब मैं आँखें हमेशा मेरी नम रहती है, नम से मतलब जानते हैं कि भरी भरी रहती है हमेशा, चाहे मैं हंसती रहूं चाहे मैं रोती रहूं चाहे मैं खुश रहूं चाहे मैं उदास रहूं मेरी आंखें हमेशा ऐसी रहती है। तो ना मतलब कल नाइट में मेरे पास वो ऑडियो आया था 1 बजे समथिंग, मैं वेट कर रही थी क्योंकि भैया ने मुझे कहा था कि मैं आज आपको ऑडियो सेंड कर दूंगा। वो ऑडियो सुनने के बाद जो मैं रोई हूं ना, कल नाइट में मेरे पास ऑडियो आ गया था, वो मतलब ऐसे अंदर से अपन किसी को खो देने के बाद में कुछ फील नहीं करते हैं मतलब ऐसा कुछ। मैं बहुत ज़्यादा भाई साहब व्हाट्सएप पर आपसे बात करी थी, आप एक बार करिए भाई साहब देशनों का आए थे तब आप मिले थे, मेरे व्हाट्सएप नंबर किसके पास है मुझे भी सेंड करना इंस्टाग्राम पे। आई लव योर वॉइस, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से बोलना दी जो अभी आपने बोला था, मकसद तो हमें बर्बाद करने का था उनका, हमारी ज़िंदगी में आना और हमें प्यार करना, ये तो सिर्फ एक बहाना था। एक और लिखी थी मैंने, एक और थी मतलब है नॉर्मली लेकिन हाँ मुझे अच्छा लगता है लिखना, एक और थी कि तुमने तो कह दिया अपनी ज़िंदगी से जाने के लिए मुझे, तुम क्या जानो कि तुम्हारी नज़रों में आने के लिए कितनों की नज़रों में गिरे हैं हम, मुझे पता था। खाना बना लियो निक्कू, एक स्माइल प्लीज, नाइस बाई सो कम। आपका वॉइस नहीं आ रहा है, वॉइस स्त्रीलिंग होती है पुल्लिंग होती है, ऐसे कहना चाहिए ना कि आपकी आवाज नहीं आ रही है आपकी वॉइस नहीं आ रही है। लव एंड ब्लेसिंग फ्रॉम समीता, अरे आपका तो ऑर्डर था, आप तो हमारे मतलब फेवरेट कस्टमर में से एक है शमिता जी, थैंक यू सो मच। आप मैं खुद अपने आपके जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो खुद पैक करती हूँ, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच।
नाइस दीदी। माया था कन्नी फैशन पर आप मिले नहीं सीकर से। मैं कह रही हूं ना कि अगर मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक हमारी जो कन्नी फैशन है, जो एक छोटी सी दुकान है हमारी, अगर वो ओपन रहती है ना, तो मैं मुश्किल से वहाँ आधी घंटा एक घंटा वहाँ रहती हूँ मैं, बाकी मेरा टाइम पूरा मार्केट में निकलता है। रतन दीदी हाँ सुन रही हूँ मैं। प्रदीप चौधरी आपकी शॉप है क्या? हाँ मेरी छोटी सी दुकान है, इसका बहुत बड़ा नाम है कन्नी फैशन। कन्नी में तो पूरा संसार बसता है, तो मेरी छोटी सी दुकान का एक बहुत बड़ा नाम है कन्नी फैशन। आप मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं यार, आप लोग मेरे को नहीं सुनते हैं। मैं सभी के मैसेज का रिप्लाई करती हूँ, लेकिन मेरे को कोई नहीं सुनता है। आज से वैसे भी शराद लग चुके हैं, शराद लग गए आज से लगे हैं ना शराद, आज से वैसे भी शराद लग चुके हैं, तो हमारे तो वैसे निकलेगा नहीं। यू आर प्योर सॉल। जो इंसान खुद बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ना, उसको चारों तरफ अच्छाई अच्छाई दिखती है, उसको कुछ भी बुरा नहीं दिखता है, लेकिन वो थक जाता है ना बहुत बुरा, तो फिर वो जो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है ना, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है। लेकिन मैं छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ आज का, नहीं छोड़ो यार मैं क्या शेयर करूँगी, वरना मुझे बेबो कहेंगे कि आप बस कहीं पर भी शुरू हो जाते हो। कल से हैं, आज से लग चुके हैं, आज से मतलब हमारे आसपास में जो नेबर हैं उन्होंने तो फर्स्ट रात निकाल भी दिया है, आज से लग चुके हैं उसे शराब। मेरी आंखें मुझे ही रेड दिख रही है या फिर आप सभी को भी रेड दिख रही है? इस फिल्टर की वजह से हो रहा है। प्लीज ऐड मी, मेरे से नहीं होती है यार बात। पूर्णिमा का आज ही था, हाँ जो भी है, बट हमारे नहीं निकलेंगे इस बार शराब। आप शायद मानते हैं, वो तो सभी मानते हैं ना, वो तो सभी मानते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं ऐसे ही खाली बैठी थी तो मैंने सोचा कि मैं लाइव आ जाती हूँ, तो मैं लाइव आ गई। करणी थारो नाम किनियाणी थारो नाम मर मनड़ा माही बस गयो सांडा डाड़ी थारो नाम। करणी थारो नाम किनियाणी थारो नाम। मेरे को याद है जब मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर हम लोग शराब निकालते थे, तो मतलब पापा को पूरा काम होता था ये, जैसे कि अपन जो भी कागले होते हैं, कोए जो होते हैं, या फिर जैसे कि गाय होती है, या फिर शायद कुत्ते को भी देते हैं, जो भी जिसके भी घास वगैरह निकालते हैं, तो पापा मैं और मोनू, मतलब मोनू मेरे भाई का नाम है, हम तीनों जाते थे। और मतलब मोनू ढूंढ रहा है कुत्तों को, मैं ढूंढ रही हूँ कोओं को, और पापा ढूंढ रहे हैं गायों को। हम तीनों की ड्यूटी होती थी अलग अलग, हम सब ऐसे ढूंढते रहते थे, मिलते कहाँ थे। हाँ भाई तो गाय वगैरह तो इजीली मिल जाती है, जैसे घरों में रहती है, लोग बाग पालते हैं, लेकिन मुझे याद लास्ट टू लास्ट ईयर। लेकिन किसी इंसान के जाने के बाद में सब कुछ सडनली कितना कुछ चेंज हो जाता है ना लाइफ में। हम अचानक से हम कितने स्ट्रांग बन जाते हैं कि हाँ हम पहले डिपेंड थे पापा के ऊपर, चाहे वो बैठे रहते थे एक रूम में, लेकिन ऐसा लगता था कि हाँ यार हमें कोई फिक्र नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पापा साथ में है। फिर अचानक से सारी चीजें ऐसी उलट पुलट हो जाती है, कुछ भी पता नहीं लगता है। फिर भी ना पापा मुझे, मम्मी को और मेरे भाई को ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना के गए हैं। मतलब पता नहीं, उनको शायद पहले बहुत सी चीजें पता लग गई थी कि शायद अब बहुत कम टाइम है उनके पास में ऐसी चीजें, मतलब उनको बहुत वक्त पहले ही अपने बारे में सब कुछ पता लग गया था, तो वो बहुत कुछ सिखा देते थे। मतलब लाइक मुझे तो ना ऐसे, मैं एक एक दो दो घंटे ना
मेरा तो कम निकल जाता था उनके पास में, मुझे पता ही नहीं लगता था लाइफ की इतनी बड़ी बड़ी चीजें वो बता देते थे ना कि उस वक्त ऐसा लगता था यार क्या पापा यार क्या बता रहे हो आप, मतलब मैं तो अभी इतनी छोटी हूँ आप मुझे सब बातें क्यों बता रहे हो। पापा उस वक्त पापा बोलते थे कि बेटा बहुत जल्दी ऐसा वक्त आएगा जब तुझे ये सारी बातें तुझे सामने फेस टू फेस तुझे ये फेस करनी पड़ेगी सारी चीज़ें, ऐसा होता था बहुत। मतलब पूरी पूरी रात निकल जाती है पापा को याद करते हुए। आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है रतन जी। हाँ मैं जो कहती हूँ ना वो दिल से कहती हूँ मैं बहुत। मेरे पापा ये रहे। ऐसा लगता है जैसे अभी कुछ टाइम की बात है, यूं ही पास में ही तो है पापा और फिर अचानक से जीवन आना जाना लगा रहता है लेकिन जिंदगी है इसको आगे लेकर जाना होता है। बात वही है जो जो खोता है जो सच में खोता है उसको पता होता है। लेकिन यही है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। याद आ गई थी। आप तो मेरी सबसे ज्यादा स्ट्रांग मम्मी हो। सबसे ज्यादा स्ट्रांग तो मेरी मम्मी है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मेरी लाइफ में ना मतलब आज मुझे 22-23 साल हो गए, मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ। मुझे अपनी लाइफ में कभी किसी भी चीज से डर नहीं लगा, कभी भी नहीं। मैं कभी किसी चीज से नहीं डरती, चाहे वो कुछ भी हो। मैं गलती भी कर दूंगी ना एक बार भी तो भी मुझे डर नहीं लगेगा। अगला इंसान क्या कर लेगा हमारा, कुछ नहीं कर सकता कोई भी। मेरी लाइफ के 10 दिन ऐसे निकले थे, मुझे रात को नींद नहीं आती थी, मुझे खाना अच्छा नहीं लगता था, मुझे किसी से बात करना नहीं अच्छा लगता था। मेरी लाइफ के 10 दिन थे वो। मेरे पापा एडमिट थे हॉस्पिटल में, 10 दिन एडमिट थे वो। 10 दिन मेरी जिंदगी के इतने भयानक, इतने खौफनाक, इतना डर था ना मेरी पूरी लाइफ में। मैंने कभी भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा, मैंने ना आप कभी मांगती हूँ, बस मैंने उस वक्त मांगा था।
वो 10 दिन मेरी लाइफ के सबसे भयानक दिन थे। मेरे पास आज भी वो कैप्चर्स किए हुए वीडियोज है जिसमें मैं डेली देखती हूँ, वो फोटोज है उस टाइम की। पता है मेरे पापा को फोटोज क्लिक करवाने का इतना ज्यादा शौक था। मेरे पापा आईसीयू में एडमिट थे, सिर्फ मैं उनसे मिलने के लिए जाती थी अंदर। फिर उस वक्त पापा मुझे कहते थे कि मेरी वीडियो बना, मेरी फोटो क्लिक कर और मुझे दिखा कि मैं कैसा लग रहा हूँ। उस वक्त वो जब बोलते तो उस वक्त की वीडियोस मेरे पास में। बट बहुत स्ट्रांग बना के गए मैं। सर बताऊँ तो मैं भी उन्हीं की वीडियो देख रही थी। मैं भी, मेरे पापा को भी वीडियोस बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था, फोटोज क्लिक करने का बहुत ज़्यादा शौक था। मतलब वो भी वीडियोस और फोटोज वगैरह क्लिक करते थे। तो मतलब मेरे पापा ऐसे इंसान थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक अच्छा व्यवहार था उनके पास में, एक बहुत अच्छा नेचर था उनका। कि लोग ऐसे मिलने को तरसते थे उनसे कि हाँ बजरंग सिंह से मिलेंगे, बजरंग सिंह से मिलेंगे। मेरे पापा का नाम था बजरंग, मतलब बहुत अच्छा व्यवहार था उनका। और वो हमें, मतलब हमें भी हमेशा यही सिखाते थे कि बेटा ज़िंदगी में सिर्फ व्यवहार कमाना, सिर्फ व्यवहार काम आएगा। किसी से मिलो तो हंस के मिलो, किसी के पास कुछ नहीं होता लेने देने के लिए। सिर्फ इंसान जब चला जाता है ना तो उसकी सिर्फ अच्छी यादें रह जाती है, उसकी सिर्फ अच्छी बातें रह जाती है, उसका अच्छा व्यवहार रह जाता है और कुछ भी नहीं। आई नो मैं इन सब चीज़ों से, इन सब बातों से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमको जाना होगा। हमें ऑब्वियसली, मुझे ही क्या, पापा को ही क्या, या किसी और को ही क्या, हर इंसान को एक ना एक दिन, जितना ऊपर वाले ने लिखा है, जितनी उसकी सांसें हैं उतना वो जिएगा। लेकिन यार तो एक इंसान, मतलब मेरे पापा थे वो, मेरे पापा थे वो जो कि मुझे समझते थे, जो कि मुझे समझाते थे, जो कि मुझे बहुत स्ट्रांग बनाते थे, जो कि मुझे हिम्मत देते थे, जिनका सिर्फ होना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत सारी चीज़ें थी उनकी। इसमें कोई इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। हमें दूसरा इंसान आके सिर्फ तसल्ली देगा, अरे कोई बात नहीं यार, वो तेरे साथ में, तेरे पास में। फील मैं कर सकती हूँ, मेरी मम्मी कर सकती है और मेरा भाई कर सकता है। जो हम पे गुजरी है, मैं नहीं चाहती कि वो चीज़ किसी और के ऊपर गुजरे, तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन पापा इतना स्ट्रांग बना के गए ना कि आज दुनिया की हर ताकत से मैं लड़ सकती हूँ, हर उस इंसान को जवाब दे सकती हूँ जो मेरे लिए गलत है, और अपने खुद के सही डिसीजन मैं खुद ले सकती हूँ। आज मैं बहुत प्राउड के साथ कह सकती हूँ कि हाँ मैं मेरे भाई और मेरी मम्मी को बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकती हूँ, जो आज एक किसी इंसान के बस की नहीं होती है। इंसान दिन रात एक कर देता है अपनी फैमिली को संभालने के लिए। मैं प्राउड के साथ कह सकती हूँ कि अपनी मम्मी और अपने भाई को एक बहुत अच्छी लाइफ दे सकती हूँ, और दे रही हूँ, और आगे भी दूंगी। बस इतनी सी बात है। और आज जो कुछ भी हूँ अपने दम पर हूँ, किसी से मांग के या किसी से कुछ करके नहीं। आज जो कुछ भी कर रही हूँ अपने दम पर कर रही हूँ, मेहनत का कमा रही हूँ और मेहनत का खा रही हूँ, बस इतनी सी बात है। पापा भी सिर्फ यही चाहते थे और मैं भी यही चाहती हूँ। आज इज्जत के साथ मैं रहती हूँ, इज्जत के साथ अपनी वीडियो बनाती हूँ, और कुछ ऐसा नहीं कहती या कुछ ऐसा नहीं करती कि किसी सामने वाले इंसान को सुनकर बुरा लगे, या मेरी वीडियोस देखकर गलत, या फिर कोई ऐसा आकर कहे कि यार तुम ये क्या वीडियो बना रही हो, तुम्हें शर्म नहीं है क्या। इज्जत के साथ अपना हर काम करती हूँ, जो मुझे पता है कि हाँ दैट्स इट। किसी थर्ड पर्सन में आके हिम्मत नहीं है मेरे सामने आके कहने की तुम ऐसी उखाड़ के फेंक दो। बस ऐसा बना कर गए पापा। बस अपने आप पर इतना ही प्राउड है, इतना ही अपने आप में है कि हाँ जो कुछ भी हूँ ना अपने दम पर हूँ, अपनी मेहनत से हूँ, और कुछ कर रही हूँ ना तो अपनी मेहनत से कर रही हूँ। वरना मैं लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ हर एक इंसान से, हर एक शख्स से।
कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, हर इंसान की असलियत मेरे सामने है। मैं तो हर इंसान को सिर्फ ये कहना चाहूंगी, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कुछ करो तो अपने दम पर करना, किसी के एहसानों के तले दबकर नहीं, या किसी से कोई मदद मांग कर नहीं, जो कुछ करना है अपने दम पर करना। स्टार्टिंग हमेशा छोटे से होती है, और मैं भी अभी छोटी हूँ, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ कमाया नहीं है, कुछ किया नहीं है, जो कुछ करो अपने दम पर करना। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मैंने अपने सामने सामने लोगों को यूं ऊपर उठते देखा है और सडनली यूं नीचे गिरते दिखता है, और उनको कोई संभालने वाला भी नहीं होता है। राइटली आज मेरे पीछे भी भौंकने वाले बहुत हैं, लेकिन इतनी सी बात है कि मेरे पीछे ही रहते हैं, कभी मेरे आगे नहीं आते हैं, क्योंकि इतने उनमें गर्ड्स नहीं है कि मेरे आगे आके कुछ वो कहे कुछ वो बोले। जानी ने रो रो के समंदर भर दिए, तुम भी रो रो के नदियां भर देना।